ये गजरेला और आज आज सितारा तूने चावलों की रोटी और साग नहीं पूछा ये खुद के पैसे होते हैं सालियों के होते हैं दूध पिलाई जूता छुपाई और बरात जो रोकते हैं उसके लिए सब में वो जनाब उसने बांट दिए ठीक कर रहे हो नहीं उन्हें ये होता है कि यार छोटी सी बात पे लड़ना पड़े कोई हाय इतना जोर वाली शादी कितने वे तू सा मजा आ गए हिंद सिंध कराची भावल पर रहीम यार खान उच्च शरीफ वाले देहात वाले मैं अदिया तरीफा कितने पे हाय इतना बावल पर सारे तरीफा कितनी पेन की आंखें खुली की खुली रह गई हैं हेलो वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है मैं देखिए ऐसे होंगे मैं में होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जनी जान की टोटीज छोटी छोटी सैंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार उम्मीद है आप लोग फिटफाट होंगे ठीक ठाक होंगे अपने खुश खर्चे पे खुश आबाद होंगे है ना ऐसे ही कहते हैं ना हाँ इसी कहते हैं वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दें क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो ना आपका क्या जाता है कर दो कर दो कर दो सर्दी बहुत है बटन पे हाथ लगाते हुए हाथ जरा कप कप करेंगे लेकिन फिर भी आपने टक कर देना है और लाइक का बटन दबा देना है जो लोग न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच रिव्यू रिएक्शन में आज हमारे पास जो है सितारा यासिंग के ब्लॉग पर भी डिस्कस करेंगे और जनाब ब्रेकिंग न्यूज ये ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहूंगी लेकिन कहूँगी भी सही मुझे गजनी सा बना के रख दिया इस ख़ानदान ने जब लोग ऐसे बोलते थे ना तो मुझे लगता था कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है हम लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए शायद लेकिन नहीं मौका देते हैं आ, हर दूसरे दिन कहा जाता है मेरा इससे तल्लुक़ नहीं है फिर उसी की सपोर्ट में वीडियो बनाई जा रही होती है तो ये समझ से बाहर है खैर नाना ने वीडियो बनाई है अपने भाई पे उससे पहले जो है शहबाज की कम्यूनिटी है शबाज बड़ा साहब फरमाते हैं स, सच्चा सच्चा था बट कमेंट सेक्शन ऑफ था मतलब तू सच्चा था लेकिन कमेंट सेक्शन तूने ऑफ किया डीडी को कह रहा है फीलिंग बैड फॉर नैना चलो हम तो चचा के बेटे थे मतलब लेकिन तुम तो बहन थी सगी सगी बहन थी इसने अपने न्यू रिलेशन को खुश करने के लिए आप पर भी तोहमत लगाती इसने शहबाज के साथ जोड़ा अपनी बहन को और उन औरतों को बचाने के लिए इसने डीडी ने जो है अपनी बहन और शहबाज को जोड़ दिया जो कि यार अजीब सा फील हो रहा था इसमें खैर हंसना क्या दुख भी हो रहा है कि यार ये बंदा बिल्कुल ही चडी है ये बिल्कुल चडी चड्डी मामू लोग मामू के लिए बोल रहे हैं लेकिन ये भी चड्डी है डी डी डीडी को पता नहीं क्यों अकल नहीं, नहीं है क्यों समझ बूझ नहीं है इसका मैं ज़िम्मेदार इनके वालदान को लाजमी ठहराऊंगी रहांगी हाँ अगर कोई समझाने वाला नहीं होता बच्चा कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा होता बच्चा नहीं रहा तो समझदार है लेकिन वालदेन से बड़ा तो नहीं है ये ना माँ बाप से तो बड़ा नहीं है ये ठीक है ना तो वो दो लगा सकते हैं इसके मुँह पे इसके कान खेन सकते हैं इसको बिठा के समझा सकते हैं गुस्सा दिखा सकते हैं ये जो कह रहे हैं ना फातमा को स्टैंड लेना चाहिए चीखम चिली करनी चाहिए थी कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी ना करे तो इनको भी चाहिए था कि अपने बच्चे को समझाए किसी की जिंदगी खराब ना करें नैना ने भी रिएक्शन दिया लोगों ने जैसी बातें कमेंट जाए किए कि भाई कि बहन तेरे भाई एक और बंदा ले आया <laughs> तेरे बारे में तो बहुत सारी खबरें छिड़ी हुई थी लेकिन अब और भी बंदा ले आया उसके साथ भी तुम्हें जोड़ दिया तुम्हारे ही अपने सगे भाई ने उन चालबाज औरतों को बचाने के लिए कभी अपनी बीवी और कभी अपनी बहन और कभी अपने कजन साला जो है उन पे तोहमतें लगा रहा है जो मजमा आठ दिन जिनसे मिले हुए नहीं हुए इस बंदे को ये उनको बचाने के लिए पुट्ठी सीधी हरकतें कर रहा है और जो कि इसको रिएक्शन इसका बनता ही नहीं था देना जब दो तीन दिन से बात खत्म हुई पड़ी है छुपी हुई पड़ी है तो ये उठ उठ के आता है रिएक्शन देता है क्योंकि इसके व्यूज अब खत्म हो गए हैं वक्ती तौर तो पे दो चार दिन लोगों ने काफ़ी व्यूज़ व्यूज दिए लोग अट्रैक्शन के तहत आए लेकिन आगे कुछ मवाद नहीं था फिर चले गए खैर यहाँ पे जो नेना है वो कहती है मेरा आज के बाद दीदी से कोई ताल्लुक नहीं है दीदी ने उन औरतों को क्लियर करने के लिए मुझे बुरा भला बोला और मुझे गंदा किया उन औरतों की सफाई देने के लिए आ गया और इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे यह भी ना सोचा मेरी बहन प्रेग्नेंट है वो आ, कोई मतलब किसी परेशानी में ना चली जाए या जैसे कमेंट्स पब्लिक के हथे चढ़े हुए हैं भाई यूट्यूब है अब यूट्यूब पर तो हर किस्म से लोग ट्रोल करेंगे लेकिन इस, इसे थोड़ी सी भी शर्म ना आई इसने इल्ज़ाम लगा दिया और यह भी ना सोचा मेरी बहन प्रेग्नेंट है जब फातिमा चुप है उसने कुछ नहीं बोला फ़ातिमा ने अपने बहन और भाई को चुप करवा दिया वो खुद भी चुप हो गई तुम लोगों को तुम लोगों के हाल पे छोड़ दिया तो तुम रिएक्शन देने क्यों आ गए तुम्हारा तो तुम रिएक्शन बनता ही नहीं था डीडी लेकिन फिर भी तुम रिएक्शन देने आ गए मुझे डीडी ने सज़ा दी है मैंने फातिमा को शायद अच्छा बोल दिया और उन औरतों पे थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया था आ, लेकिन वो औरतें भी कौन सा अच्छी हैं उनके करैक्टर तो वहाँ से ही नज़र आ जाते हैं जो वो धमकियाँ दे रही हैं तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि उन औरतों के किस किस तरह के तल्ल हैं कोई अच्छे किरदार की मालिक नहीं है जो धमकियाँ दे रही हैं ठीक है जी और जनाब उसने कहा जब अपने बहन भाइयों को फातिमा ने चुप करा दिया है खुद चुप है तो फिर इस तरह से आ, मतलब हमें क्यों गंदा कर रहे हो तुम तो? ठीक है जी और फिर कहा कि मेरा भाई मुझे मुझे जो है उन औरतों को बचाने के लिए बुरा भला कहने लगा लोग भी बोलेंगे आ, अगर डीडी मुझे बुरा कह सकता है मेरे करेक्टर पर बात कर सकता है तो लोग भी बोलेंगे ओबियसली अच्छा जी कहा तीसरी बीवी को आ, बुरा किसी ने बोला डीडी कहता है कि अगर मेरी तीसरी बीवी को किसी ने बुरा बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगा क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं थी तुमने आ, मतलब तुम्हें वो इतनी प्यारी है कि हम लोग तुम्हें अब तुम्हारे पराये हो गए तो इसलिए मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी नहीं मिलूंगी जी हाँ ये आप लोग वक्ती तौर पर कहते हैं उसके बाद फिर आप लोग एक हो जाते हैं समझ से बाहर है भाई मतलब एक अपना वर्थ होनी चाहिए कि पता चले आ, लेकिन भाई अब YouTube चैनल है तो यहाँ पे ये चीजें चलती रहेंगी अच्छा जी उसके बाद कहती हैं कि मामा मामा यहाँ पे आएगा इस घर में कराची में क्योंकि मामा पहले से इस घर में रह रहा था मैं बाद में आई हूँ लेकिन मामा की भी एक बात समझ नहीं आई उसने कहा कि दूसरी शादी तीसरी शादी करना इस्लाम में जायज़ है तो मामा जी ज्यादातर ये शादियाँ जो हैं उन्होंने कहा कि तीसरी शादियाँ चौथी शादियाँ जो हैं शेख ज्यादा करते हैं उनके पास पैसा होता है और वो बैलेंस के साथ रखते हैं और इस्लामी तरीके से वो लोग रखते हैं तो ये मेरा भाई जो है वो शेख नहीं है ये शेख चिल्ली है चिल्ली ये ख्वाब देखता है शेख चिल्ली वाले और लंबी लंबी छोड़ता है मैं कहती हूँ फातमा ने अगर इसको मुंह लगा दिया ना लगा तो सही अगर अपने लिए स्टैंड ना लिया ना फिर तो ये जीत गया फिर इसका ख्वाब पूरा हो जाएगा शेख चिल्ली का ठीक है दीदी का क्योंकि उसको माल मिलेगा चैनल के थ्रू से क्योंकि उसका चैनल डूब जाना है सही और अगर फातिमा ने इसको अपने चैनल के नेड़े भी ना आने दिया और और यह वाली हरकत की कि आ रहे हो तो क्या लेके आ रहे हो जा रहे हो तो क्या लेके मतलब फिर भी क्या देके जा रहे हो यह वाली अगर फातिमा ने चीज रखी ना और खर्चा इससे ही ले उल्टा इसको दे ना मजबूत रहे अपने बैंक बैलेंस को फिर इ, इसको ना नानी भी याद आ जाएगी और नाना भी याद आएगी और फिर दादा भी याद आएगा और फिर सारे याद आएंगे सही है जी ये है जनाब इनकी स्टोरी और उसके बाद अभी हम आ, स्टार्ट करते हैं सितारा के <coughs> सितारा के जो है ब्लॉग पे जो है हम बात करेंगे आ, थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो जो गाँव वाला जो सेटअप था मतलब गांव वाले सारे खड़े हैं वो नजमा ने पहले डाल दिया नजों ने वो पहले डाल दिया सुबह सुबह ही डाल दिया था पाँच बजे छः बजे डाल देती है वो ब्लॉग उसमें ही वो आ, डाल दिया समय से बाहर था शायद उसने सोचा होगा सितारा ये क्लिप ना डाले लेकिन उससे पहले ही उसने डाल दिया ये क्लिप जो है गाना गाने की रस्म से पहले का क्लिप था उन दूल्हा दुल्हन के हाथ में गाना बंधा हुआ है वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया तो गाने की रस्म सितारा ने दिखाई वो क्लिप नहीं डाला नजो ने जनाब वो डाल दिया चलो पहले तो इन लोगों को एहतियात करनी चाहिए अगर एक बंदा वीडियो बना रहा है तो दूसरा इग्नोर कर दे कि ये उसका कंटेंट है भाई वो बना रहा है उसका कैमरा लगा हुआ है या फिर पूछ ले कि हम बना ले या ना बनाए सेम चीज हो जाती है वो खैर <coughs> वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है ना तो कैमरामैन सारे एक ही साइड पे खड़े होते हैं उन्होंने खबर देनी होती है तो भाई वो तो न्यूज होती है ना वो तो खबर होती है खबरें चल रही होती हैं और छोटे छोटे क्लिप चल रहे होते हैं वहां पर लेकिन ये वाला समय नहीं आया समय से बाहर है खैर यहाँ पे जो है सितारा का ब्लॉग देखा और उन्होंने कहा दूल्हे की सालियो अरे दुपट्टे बट्टे वालियो पैसे ले लो जूते छुपाई नहीं की इन्होंने चल लो इतना भी रहम नहीं करना चाहिए दूल्हे वालों पे लड़कियों तुम लोगों ने कौन से बटे सटे किए हैं हैं अगर वटे सटे भी किए हैं तो वहाँ पे भी होती हैं रस्में लेकिन अगर कोई वटा सटा करता है एक एक पार्टी ने रस्में नहीं की तो दूसरी पार्टी भी नहीं करती रस्में के यार उन्होंने नहीं किया हम भी नहीं करते लेकिन आप लोग तो उल्टा बेटी दे रहे हो तो रस्में फिर कर, करो ना फिर शोगल में ला कर किया तो पूरा करो लेकिन इतना भी रिलीफ नहीं देना चाहिए दूल्हे वालों को सालों ने दस पंद्रह बीस लाख तो व्यूज़ ही कमा लिए तो, <laughs> मतलब समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा छूट दी गई है उन लोगों को दूध पिलाई की रस्म में भी मेरे ख्याल में पता नहीं दिए है उन्होंने पैसे या नहीं दिए खैर उन्होंने सुबह सुबह दिखाई रूटीन सितारा ने नाश्ता वगैरह दिखाया सारे जनाब खुश मिजाज तरीके से खा रहे थे बहुत सर साजिद उसका भाई उसकी भाभी और दूल्हा दुल्हन सारे नाश्ते में लगे हुए थे सितारा भी गाड़ी में खाना खा रही थी और लड़की को कहा कि जाओ आप थोड़े से क्लिप बना के लाओ मैं खाना खा रही हूँ गाड़ी में और वीडियो भी एडिटिंग कर लूँ सही है जी और जो है चाची से पूछा चाची मज़ा आया चाची कहती है हाँ बड़ा मज़ा आया है वो जो वहां रहती हैं चाची कहती है अरे मज़ा ही आ गया शादी का शादी इनके सरों से शादी नहीं अब जानी क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन तो भाई वो वाली छप गई है इनके दिमागों में ना शादी <laughs> क्योंकि वाकई देहातों में इस तरह से कम दिखाई जाती है लोग तो कह रहे हैं ला दस की खर्चा कितना है क्या कर लिया है कुछ लोग जो जेलस लोग हैं वो ये कह रहे हैं लेकिन ये बात याद रखें कि इतना भी मादा इन लोगों के दिल में नहीं है इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि वो कोई कर, खर्चा करता जो कि इन्होंने किया खैर दूल्हा दुल्हन का भी इंटरव्यू लिया गया कि खाना खा रहे हैं उन्होंने कहा हाँ हम खाना खा रहे हैं फातिमा को कलेजी पसंद है और मुझे फातिमा पसंद है <laughs> डायलॉग सुनो लड़के के खैर अच्छा लगा इन दोनों को खुश खुश मियाँ बीवी को देख के और सितारा ने भी जनाब आ, जो है सबसे पूछा कि हाँ भाई बताओ सारे मेहमान जा रहे थे ना तो सबको गांव वालों को खड़ा करके कहा हाँ भाई बताओ कैसा रिव्यू लेते हैं आप लोगों से रिव्यू लेते हैं कि कैसा लगा आप लोगों को शादी क्या मतलब क्या फील किया तुम लोगों ने मेरे कहने पे आप लोगों ने कपड़े अच्छे पहने आप लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग की तैयार श्यार हुए बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की लेकिन फिर भी बताएं कैसा लगा तो सब ने कहा बहुत मज़ा आया और जो है आ, हमारी नस्लों में भी ऐसी शादी पहले कभी नहीं हुई इस तरह से हमारी नस्लों में भी पहली पहली शादी है इस तरह की और हमने ऐसी शादी नहीं देखी बहुत मजा आया प्रोग्राम जो है देख के आ, सब ने कहा कि खुशियों का सहरा जो है वो सितारा के सर जाता है और इसने हमें जो है बड़ा अच्छा जो है हमें मतलब फंक्शन दिखाया और सारा अहतमाम जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया उसकी भाई और भाभी तो खैर कुछ थे ही उनका ही जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर उठा के ये सारा कुछ किया है तो सारे बड़ी दुआएं दे रहे थे खुश हो रहे थे अच्छा जी कौशर को पकड़ा सितारा ने कौसर आओ ना ज़रा दस मुझे आओ ना जरा कौशर बताओ मुझे कैसी लगी शादी तुम बीमार थी लेकिन मैंने तुम्हें कहा अच्छे कपड़े पहनना और तुमने भी अच्छे कपड़े पहने अच्छे से तैयार हुई हो तुम्हें कैसा लगा तो उसने भी यही कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी मैंने पहली बार ऐसी शादी देखी है तो भाई सितारा से मेहमान जाने लगे तो एक लड़की जो है वो गले लग के मिली मिल के रोई जा रही थी रोई जा रही <laughs> बड़ा रो रही थी सितारा से बड़ा मतलब अट्रैक्ट हो जाती है बंदियां फैंस उसकी हो गई या कोई रिश्तेदार हो गई या मतलब होती हैं दोस्त वगैरह फैन हो गए ज्यादातर इनके बड़ा रोती हैं बहुत प्यार करते हैं सितारा खुशकिस्मत है यार तो लड़की रो रही थी गले लग के <laughs> खैर उसके बाद जो है मेहमान चले गए उसके बाद सितारा ने कहा सर्दी की वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहे सही तरीके से और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हाथ जो है काम करना छोड़ जाते हैं मतलब मैं बटन प्रेस ही नहीं कर पाती टक वो होता है ना सर्दी आए मेरे से कोई पूछे <laughs> कितनी जर्सियाँ पहन के बैठी हूँ मैं <laughs> बहुत सर्दी है आप तो हीटर काम करना ही छोड़ गए इतनी सर्दी है खैर जो है दूल्हा दुल्हन को भी दुआ दी सितारा उनके रूम में भी गई थी और उन्हें भी दुआ दे रही थी और कहा कि फ़ातिमा जो है फातिमा को खुश रखा रखना वकार और कहा कि बेस्ट ऑफ लक दोनों के लिए और जो है इसको खुश रखना और फिर जनाब चाय शाय बनाई चाय बनाई और काशिफ ना आए हो ही नहीं सकता हो नहीं सकता काशु काशु फौरन भाग के आ जाता है मुझे खुशबू आ गई चाय चाय की भी भुला खुशबू होती है दूसरे ही लम्बे देखा सुबह सुबह सितारा भी उनके घर पहुंची हुई थी चाय पीने <laughs> उसने कहा मेरा कप तुम्हारे दमाद ने लिया अब तुम्हारा कप है ना तुम्हारे दमाद का कब मैंने ले लिया कि अब ये मिल जाया है <laughs> खैर अच्छा लग रहा है इनकी गपशप देख के आपस में चाचे माय मामे ताए पुपियाँ हल्ला गुल्ला लगा हुआ है मजा आ रहा है देख के मुझे तो अच्छा लग रहा है गाँव का ब्लॉग खैर उसके बाद जो है कौसर आई कौर वो नहीं है जो सहेली बनी हुई है सितारा की अम्मा अम्मा बुला रही है अम्मा कहती है सितारा खड़ी है उसको ना बुला के लाओ <laughs> उसने बड़ा नाचा है ओए ओए होए, होए मलंगनी झुमर पाई जाए लुड्डी चमा लो पाते लुटी हे चमा लो पा मज़ा आ रहा था कौसर को देख के दूसरी कौसर तो बेचारी चुप चुप थी लेकिन ये कौसर जो है इसने खूब हंसाया है वो बात बात पे दुआएं बात बात पे हाथ उठा के दुआएं देना और भंगड़े डालना और बड़ा अच्छा लगा इसको भी देख के ये बड़ा इसने बड़ा एंजॉय किया इस कौसर ने इसको तो कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे मिले हैं दुल्हन वालों की तरफ से दूल्हे वालों की तरफ से मतलब सितारा आ दुल्हन वालों की तरफ से सितारा लेके आई तो <coughs> अच्छा उसके बाद जो है सुबह सुबह सितारा ने चावल और चावल की रोटी और साग खाया है मैंने अभी तक नहीं खाया चावल की रोटी और साग रेली हम लोग खाते थे ना सर्दियों को तो जब सर्दियाँ आती है ना क्रेविंग होती है दिल करता है ये चीज़ें खाने को और मैंने नहीं खाई अब तक कि हमारे चावलों के जो है फसल होती थी और एक बोरी चावल के आटे की हम लोग पिसवाते थे और तीन महीने चार गांव में तो ज़्यादा सर्दी रहती है ना शहरों की नस्बत तो सुबह सुबह पूरी फैमिली ने चावलों की रोटी साथ में लस्सी मक्खन शक्कर ले लें और साग भी हो जाता था सुहाजना हो जाता था सुहाजने की सब्जी मुरिंगा कहते हैं मुरिंगा के फूल हम लोग पकाते होते हैं जब मैं गई थी सितारा और वो दीदी के बच्चों की जब सालगिरह थी तो मैं जब सितारा से मिलने गई थी मुझे सितारा ने दिए थे मुरिंगा के फूल वो मैंने अभी तक रखे हुए थे आ, पिछले महीने मेरे ख्याल से हम लोग ने मुरिंगा के फूल पकाए ओ मेरे रब्बा कोई ज़बरदस्त टेस्ट था हमने मटर और आलू में वो मुरंगा पकाया था फूल बहुत ज़बरदस्त देसी घी डाल के खाएं मज़ा आ जाता है मैं बड़ा मिस करती हूँ चावलों की रोटी और वो साग इस तरह से लेकिन यकीन माने जब सर्दियाँ आती हैं जिन्होंने नहीं खाया उन्हें तो टेस्ट का पता ही नहीं है और जो खाते हैं जो खाते रहे हैं वो फिर मिस करते हैं उन, उनको अंदर से दिल करता है <laughs> तो मज़ा आया यार इन लोगों को देख के मेरे मेरे में पानी आ रहा था अरे कच्चा कल लड्डू खिला रही थी ये ना लड्डू खाओ मैंने तो साफ इनकार कर दिया सितारा ना मैं नहीं खाती लडो आई एम डाइटिंग मैं डाइटिंग पे हूं राली टपकना जब बंद ना हुई चुपचाप मैंने अपने फ्रिज का दरवाजा खोला वहां का हलवा पड़ा था सबर टूट गया नौशी का जनाब जो है सितारा ने फिर वो सीन दिखाया कि दूल्हे वालों से जो मैंने पैसे लिए हैं वो मुझे रस्म करने का मज़ा आया मुझे ये नहीं है कि मैंने पैसे लेने हैं लूटने हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं लेकिन वो ये कहना चाह रही थी कि भाई मुझे सिर्फ जो है रस्म करने का मज़ा आया उनसे पैसे लेने का अच्छा लगा मुझे लेकिन ये नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि मैं रख लूँगी पिछली दफ़ा भी मैंने जो है आ, पैसे वापस कर दिए थे इन्होंने पच्चीस हज़ार में से लिया था पिछली दफ़ा और वापस कर दिया था तो हम लोग बड़ा वो हुए थे कि यार नहीं काशी वगैरह को देना चाहिए था वो अलिशबा की दफ़ा तो इस बार जो है इन्होंने पैसे नहीं दिए और देने वापस बनते भी नहीं होते बहन ये खुद के पैसे होते हैं सालियों के होते हैं दूध पिलाई जूता छिपाई और बरात व... जो रोकते हैं उसके लिए तो खैर सितारा ने वो तीस हज़ार जो है सारी सालियों को बुला के वकार की अपनी भतीजियों को बुला के सब में वो जनाब उसने बांट दिए और कहा कि ये सालियों का हक है सालियों को मिलना चाहिए और इसलिए जो है वो आ, जो है पैसे मैं देने लगी हूँ सितारा ने कहा अम्मी ने इतना मना किया मुझे रोक रही थी मुसलसल रोक रही थी अम्मी हम में रह के ना सपोर्ट उनकी कर रही थी मुझे नहीं अच्छा लगा तो हाँ ये बात ये हकीकत है ये तो अम्मी की दोस्त थी इसलिए भी शायद वो कर रही थी लेकिन हाँ बड़ी जो होती हैं मेरी जब नंदों की शादियाँ हुई हैं ना तो हम लोग बारात रुकाई वगैरह या इस तरह रस्में करते थे तो अम्मी वगैरह हमें भी रोकते थे अरे नहीं छोटते नहीं की कर रहे हो नहीं ऊँ ये होता है कि यार छोटी सी बात पर लड़ना पड़े बुराती इधर उधर से समझा करो ठीक है जी ये बातें हमें भी सुनने को मिलती हैं सितारा जी लेकिन खैर वकार ने बात को कवर किया और वकार ने कहा नहीं नहीं आपने पिछली शादी पे भी आप लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया था माँ जी ने और सितारा ने वकार ने उस बात को कवर किया फौरन लेकिन अम्मी ने कहा हाँ मैं रोक रही थी नहीं 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 लेना चाहिए तो ये भाई ये हमारे साथ भी बीत चुकी है हमने जब जब रस्में करनी चाहिए ना तो हमें जो है रोक दिया जाता था कि कोई फड्डा ना पड़ जाए हो जाता अक्सर शादियों पर फड्ढे भी पड़ जाते हैं लड़ाइयाँ हुई हैं बड़ी बड़ी इन चीज़ों पे खैर यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन दूल्हे वालों ने भी फुल कंजूसी का मजाहरा किया अच्छा और उसके बाद जो है सबको पैसे बांटे और नजमा ने जनाब नजमा जब जा रही थी तो उन्होंने सितारा ने कहा कि आप बताएं आप खुश हैं ना तो कहती है मैं बहुत खुश हूँ सितारा और जो है मैं आप पे बहुत राज़ी हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो है इतनी अच्छी शादी जो है मैंने भी पहली बार देखी है हालांकि हमारी शादी जो है काफ़ी रुक रुकावटें आई हैं इस शादी में काफ़ी मुश्किल आई हैं आप लोगों को पता है जब दिन रखे जा रहे थे शादी के उस टाइम लड़की के जो मामू हैं वो कंट्रोवर्सी लेके आ गए थे शादी के हवाले से और बातें करना शुरू हो गए थे जिस टाइम निकाह पड़ा जा रहा था उस टाइम बाबा जी की वीडियोस आ गई थी फिर उसके बाद जब रुखसती हो रही थी तो डीडी कंट्रोवर्सी लेके आ गया और भी बड़े मसले मसाइल चले हैं बाबा जी की लड़ाइयाँ झगड़े पार्ट वन पार्ट टू वाली वीडियोज़ बुरी वाली जो कि बहुत असर अंदाज होती हैं जब गांव वाले जब जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो और वो वीडियो खोलेंगे तो जाहिर सी बातें वो खिली उठा उड़ाते उठा, हैं मजाक उड़ाते हैं उइ हुए देख इनके बड़े इनकी ऐसी की तैसी आवाज बजा रहे हैं ऐसे करके वो लोग हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं तो खैर वो दुआ दे रही थी कि आपने मेरा बड़ा साथ दिया जाहिर सी बातें दुआ बनती भी है यार इतना बड़ा सितारा ने इन लोगों को साथ भी दिया कंटेंट भी दिया सब ने मौजें उड़ाई व्यूज़ कमाए रातों रात इनके आदो आध सब्सक्राइबर बढ़े सब ने मतलब फुल जो है इस में शमूलियत हासिल की खैर आ, सितारा को काफ़ी वो दुआएं दे रही थी और उसके बाद जो है जनाब साजिद साहब की ड्यूटी वही जब शादी थी तो सबको ले लेके आ रहे थे बहुत टफ ड्यूटी होती है और ये को बिल्कुल नज़दीक नहीं खड़े काफ़ी काफ़ी दूर इनके सफ़र हैं ये बीच में रहते हैं इस साइड पर रहते हैं नज्जो वाले उस साइड पे रहते हैं, हैं राबिया वाले ये बीच में रहते हैं और बहुत सफ़र पड़ जाता है इधर भी और इधर भी ठीक है और कौसर रहा वो नज्जो नज्जोरों से भी आगे रहते हैं समझ आ रही है वो काफ़ी आगे रहते हैं इस तरह से इनका सफर है वो इजाजत साहब की वो ड्यूटी फिर से शुरू हो गई सब छोड़ने जा रहे थे और सब जो है किसी को इधर छोड़ने जा रहे हैं तो किसी को उधर छोड़ने जा रहे हैं और उसके बाद जो है मामी मामी इनकी जो पहले सोने से लदी रहती है जो वो कह रही सितारा ने कहा मामी आप सुनाए शादी का मजा आया तो कहती हूँ हाँ बड़ा मजा आया जोर वाली शादी हाई कसम जोर वाली शादी सराइकी में जब बोलते हैं ना इस अंदाज से बोलते हैं खुशी का जब इजहार करते हैं ऐसे हाय है, है इतना जोर वाली शादी कितने वे तू मजा गए हिंद सिंध कराची भावल पर रहीम यार खान उच्च शरीफ वाले देहात वाले मैं दिया तरीफा कितनी बोलते हैं अगला बंदा जिसको समझ नहीं आती वो कहेगा ये लड़ रहे हैं यार ये या लड़ रहे हैं लगता है इनकी कोई नाराजगी हो गई है तो मामी कह रही थी है बड़े जोर वाली शादी है मजा आ गए बहु हिंद सिंध कराची बावल पर सारे तरीफा कितनी पेन जैसे सितारा कल कह रही थी मेरे मामू आए हैं सुबह सुबह और कहते हैं सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं है शादी कर छोड़ी है <laughs> तो ये मामी भी ऐसी तारीफें कर रही थी <laughs> मुझे मुझे सुनने में मजा आ रहा था <laughs> कहती है सॉरी <coughs> मामी कहती है आधे अमीर वाली शादी थी है अमीर वाली मतलब अमीर अमीरों जैसी शादी हुई है <laughs> अमीर शादी आई डाटा मजा आए <laughs> सितारा ने कहा किसने कहा मामी ने कहा सारे इधर हिंद सिंध वाले कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि सितारा ने बड़ी अच्छी शादी की मज़ा आया यार मुझे भी देख के मज़ा आया आप लोगों को भी देख के मज़ा आया बस थोड़ी सी डिस्टर्बिंग नेटवर्क और सर्दी की वजह से रही है व्लॉग लेट आने की वजह से ज़रा चस जो है थोड़ी सी खराब हो गई देखने वालों की लेकिन वो वहाँ पे थे तो वो तो सही इंजॉय कर रहे थे लेकिन पब्लिक का जो मजा था ना वो किरक्रा सा हो गया लेट आने की वजह से व्लॉग तो खैर सितारा का कहना था अब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग सही से जो है करूँगी और सही से टाइम से डाला करूँगी भाई हम लोग जो है मेरे ख्याल में वो चले गए हैं इस्लामाबाद चले गए इसलिए देर से भी आ रहे हैं ब्लॉगनिंग चीन पूरी ना होना वहाँ जाके अलग से काम करना और गाँव में जैसे सर्दी है ना तेज़ वैसे ही उनके इस्लामाबाद में भी है लेकिन वो ये है कि बंद घर है टी वी लॉन्च का दरवाज़ा बंद करो खिड़कियाँ बंद करो आपके घर बंद हो जाना हीटर चला दो तो आपके मज़े ही मज़े गाँव में ये चीज़ नहीं है गाँव में तो धुआँ डस्ट सर्दी सीधा नाक में घुसती है और गला यहाँ पे खराब हो जाता पक जाता है खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें ये देखिए अभी मैं हीटर चला के बैठी थी मेरे अपने गाल लाल हो रहे हैं एकदम सर्दी और एकदम गर्मी हो रही है अजीब सी फीलिंग है तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं न्यू लोग जैसे सब्सक्राइब करते हैं फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफि